हर पैदा होने वाले की मौत तय है, बावजूद मौत से हर कोई खौफजदा रहता है। अप्रैल से मध्य मई तक जब कोरोना का संक्रमण पीक पर था तो हर संक्रमित और उसके परिजनों की सबसे अधिक चिंता जीवन को लेकर ही थी, या स्वाभाविक भी है। पर अब मौत का खौफ या डर इनकी लगातार गिरती संख्या के कारण क्रमशः कम होती जा रही है। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे के दौरान सिर्फ 115 मौतें हुई। 7 मई को होने वाली रिकॉर्ड मौतों की संख्या या करीब 70% कम है। ऐसे जिलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिनमें 24 घंटे के दौरान एक भी मौत नहीं हो रही है। आज के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 3 दर्जन जिलों में 24 घंटे के दौरान एक भी मौत नहीं हुई। करीब इतने ही जिलों में मौतों की संख्या इकाई में रही। सिर्फ कानपुर नगर और गोरखपुर ऐसे जिले रहे जहां इस दौरान मौतों की संख्या दहाई में रही। कल 0 मौतें वाले जिलों की संख्या 40 थी। कुशीनगर गोरखपुर को छोड़ हर जिले में यह संख्या इकाई में रही। 25 मई से एक दिन में होने वाली मौतों की संख्या अपवाद के कुछ दिनों को छोड़ दे तो लगातार 200 से नीचे रही। आज के बाकी आंकड़े भी इस बात के सबूत हैं कि सर्वाधिक आबादी, कई राज्यों की तुलना में कम संसाधन होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जज्बे, जुनून, मार्गदर्शन और रियल कप्तान की तरह ग्राउंड जीरो पर हर जगह उनकी मौजूदगी, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, सर्विलांस और अधिकतम टीकाकरण के फार्मूले का असर दिखा। यही वजह रही कि संक्रमण की संख्या संबंधी कयासों को झुटलाते हुए टीम वर्क और जनता के सहयोग से कम समय में उत्तर प्रदेश पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने वाले राज्यों की तुलना में सिर्फ आंशिक कोरोना कर्फ्यू से ही उसकी तुलना में बेहतर नतीजे दे सका। ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के दौरान गोरखपुर में 11, कानपुर नगर में 10, लखनऊ में 8, प्रयागराज, मेरठ, झांसी और अमरोहा में 6-6 लोगों की मौत हुई। इसी क्रम में अयोध्या में 5, बुलंदशहर में 4 मौतें हुई। प्रदेश के 7 जिलों में 3-3, 9 जिलों में 2-2, 14 जिलों में 1-1 और 36 जिलों में 0 मौतें हुई हैं।